नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर की आ रही है खतियान जोहार यात्रा पर बोले हेमंत सोरेन, झारखंड के लोगों को लूट रहे हैं बाहरी लोग, भाजपा पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन। बचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक मूलवासियों और आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए खतियानी जोहार यात्रा की जा रही है, जिससे राज्य के लोगों की नज़र में झारखंड चारागाह है। यहां बाहरी लोग आकर संपत्तियों को लूट रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं, हक अधिकार मारते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को खतियानी जोहार यात्रा के तहत चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो एक बड़ी खबर की आ रही है, धनबाद स्टेशन पर सोमवार को अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक व्यक्ति स्टेशन पर टीटी से भिड़ गया, टिकट मांगने पर उसकी हैसियत पूछने लगा। बाद में पता चला कि यह लेबर सप्लाई का काम करता है, ठेकेदार है और उसके पास सिकंदराबाद का टिकट था, लेकिन उसके साथ जो लड़के थे उनसे टीटी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्हें बताया कि वे टाटा जमशेदपुर जा रहे हैं। आपको बता दें कि टीटी ने जब टिकट मांगा तो धनबाद के स्टेशन पर जब लेबर सप्लाई करने वाले ठेकेदार से टीटी ने टिकट मांगा तो वह उनसे उलझ गया और धनबाद स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफार्म पर दिन में करीब 3 बजे टीटी अनुज कुमार और चंद्रेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने एक साथ कुछ लड़कों को देखा, उनसे टिकट दिखाने के लिए कहा। लड़कों ने ठेकेदार की ओर इशारा किया, कहा कि उनके पास टिकट है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, वीरबद्ध भगत शहादत दिवस पर कांसा लोटा में लाया गया वीर पानी। स्कूलों कॉलेजों में जीवन गाथा पढ़ाए जाने की मांग। बचले के वीरबुद्ध भगत के शहादत दिवस के अवसर पर सोमवार को वीरबुद्ध भगत की जन्मस्थली चिलगाई के से वीरबुद्ध भगत के वंशजों के द्वारा कांसा लोटा में वीर पानी लाया गया। इसे रांची में ही दूही मोर्चा द्वारा ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत कर वीरबुद्ध भगत चौक अरगोड़ा लाया गया। इसके बाद अरगोड़ा के सिब्बू पहान के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा पाठ किया गया। तो दूसरी वो देवघर में रांची व पटना हवाई सेवा अब 1 मार्च से शुरू होगी। 55 मिनट में रांची व 1 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना। बचले के महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा अब 1 मार्च से शुरू होगी। 1 मार्च से ही देवघर से पटना की भी हवाई शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद DGCA द्वारा स्लॉट किया गया और शेड्यूल जारी कर दिया गया। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो देवघर से रांची व देवघर से पटना की हवाई सेवा शुरू करेगी। देवघर से रांची का किराया 2,050 रुपये व देवघर से पटना किराया 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है। देवघर में रांची का सफ़र 55 मिनट में पूरा होगा, जबकि देवघर से पटना का सफ़र 1 घंटे में पूरा होगा। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेकर के आ रही है, कोडमा गया रेलखंड पर टला बड़ा हादसा। बंदुआ स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी, लोको पायलट समेत अन्य सुरक्षित। बचने के कोडमा गया रेलखंड के बंधुआ रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है। यहां खाली मालगाड़ी का एक वैगन डीरेल हो गया। हादसे की सूचना जैसे ही रेल कंट्रोल रूम को मिली वैसे ही खलबली मच गई। सूचना पर तत्काल राहत बचाव टीम को मौके पर भेजा गया। इस हादसे की वजह से डाउन लाइन में रेल परिचालन करीब आधा घंटा बाधित रहा। इस दौरान गार्ड के रूप में अरविंद कुमार सागर, लोको पायलट विकास कुमार, सह लोको पायलट मिथुन कुमार तैनात थे, ये सभी सुरक्षित हैं। तो दूसरी ओर सीरम टोली में कौन फ्लाईओवर में बीजेपी को आई भ्रष्टाचार की बू। दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। राजधानी रांची के सीरम टोली के से मेकॉन तक बन रहे फ्लाईओवर में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर इसकी विशेष जांच कराने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है और उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए 1,949 आवेदन हुए प्राप्त। बचले के पूर्वी सिंहभूम के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए 11 प्रखंडों में 1,949 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 1,750 आवेदन को अनुशंसित किए गए हैं। इसके बीच 2015
1.59 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। निगम की ओर से 896 आवेदन आए हैं, इसमें 855 लाभुकों की राशि स्वीकृति की गई है। प्रखंड में सबसे ज़्यादा 282 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसमें 279 आवेदन की अनुशासित किया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा 423.15 लाख की राशि पुटका में स्वीकृति की गई है। तो वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर, झारखंड के 7000 ऑटो चालक हड़ताल पर, शहर के कई रूट्स पर यात्री परेशान। मचले के वसूली के विरोध में राजधानी रांची शहर के 5 रूटों पर सोमवार को 13 फरवरी को ऑटो नहीं चल रहे हैं। इन रूटों पर ऑटो नहीं चलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इन रूटों पर ऑटो नहीं चलने से सड़कें खाली खाली नज़र आ रही हैं। रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के 7000 ऑटो चालकों के हड़ताल पर रहने का असर दिखने लगा है। तो दूसरी ओर ग्राहकों को एक साल में अब मिलेंगे 15 गैस सिलेंडर। बाचले के अवैध रिफिलिंग को रोकने और कॉमर्शियल सिलेंडर की खपत बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने बड़ा बदलाव किया है। अब एक गैस कनेक्शन पर एक साल में 15 से अधिक LPG नहीं मिलेगा। देश की तीनों प्रमुख LPG कंपनियों इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। इसे अधिक की डिमांड करने वाले उपभोक्ताओं को आग्रह अस्वीकार कर दिया जा रहा है। उन्हें मैसेज भेजकर बताया जा रहा है कि उन्होंने 213 किलो से अधिक गैस का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, G20 समिट को लेकर बिरसा एयरपोर्ट से पतरातू तक की सड़कें होंगी दुरुस्त। बदले के G20 समिट को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अरगोड़ा होते हुए रेडिएशन ब्लू तक और अरगोड़ा चौक से पतरातू तक कुल 117 जगह चिन्हित की गई हैं। इन जगहों पर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, चरणों में कार्य किया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग प्राधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को इससे अवगत करा दिया गया है। तो इससे बड़ी अपडेट, मिशन रागी। जी हाँ दोस्तों, मिशन रागी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलेंगे रागी के पौष्टिक लड्डू। एनीमिया का व कुपोषण की जंग में रामबाड़, कि एनीमिया एवं कुपोषण की मुक्ति, कुपोषण मुक्ति की दिशा में मिशन रागी के तहत उपायुक्त सुशांत गौरव रजारा जोहार रागी लड्डू लॉन्च किया गया। मिशन रागी महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन के तहत आदिवासी महिला जोहार रागी की आटा एवं लूट नूडल्स आदि उत्पादन बना रही हैं। बिष्णुपुर की सोलेरी महिला समूह की अनिता देवी द्वारा बनाए गए लड्डू को उपायुक्त ने लॉन्च किया है। उपायुक्त ने कहा कि रागी के लड्डू को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं MTC सेंटरों को भेजा जाएगा ताकि सही बच्चे इसका सेवन कर सकें एवं कुपोषण मुक्त रहें। तो बता दें कि CM हेमंत सोरेन आज करेंगे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, CM हेमंत सोरेन आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। खतैन जोहार यात्रा के तीसरे चरण को लेकर हेमंत सोरेन आज लातेहार में रहेंगे। वहाँ वरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों और औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय आर्ट नाट्य प्रतियोगिता में पलामू की टीम को फर्स्ट प्राइज, मौसम आर्ट ग्रुप को मिले 9 पुरस्कार। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर की चर्चित नाट्य संस्था मौसम आर्ट ग्रुप को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नाट्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। कला संगम द्वारा 10 से 12 फरवरी तक ग्रेडी में अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में मौसम आर्ट ग्रुप को उनके द्वारा प्रस्तुत नाटक राजपाट के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार लेने के लिए जब मासूम के कलाकार मंच पर गए तो उन्होंने जय पलामू जय झारखंड का नारा लगाया। उनके साथ पूरा हॉल इस नारे से गूंज गया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त पलामू की टीम इस प्रतियोगिता में दिल्ली, भोपाल, कोलकाता जैसी टीमों पर भारी पड़ी। द्वितीय स्थान पर दिल्ली, तृतीय स्थान पर भोपाल और चौथे स्थान पर कोलकाता की टीम रही है। दोस्तों फिलहाल करो बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।